सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुष्मांडा आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है कुष्मांडा आईएएस एकेडमी में। चलिए हम पार्ट थ्री अब आज देख रहे हैं, पार्ट थ्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं क्या है। चलिए तो पार्ट थ्री में हम कॉम्बिनेशन को अभी डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा परम्यूटेशन खत्म करके कॉम्बिनेशन सीखा था, तो कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना करके क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा। आउट ऑफ फाइव वुमेन एंड फोर मैन, एक कमेटी आपको बनानी है, एक कमेटी आपको बनानी है, कमेटी ऑफ थ्री मेंबर। हाउ मेनी मेंबर्स? थ्री मेंबर्स इज टू बी फॉर्म, इज टू फॉर्म इन सच ए वे दैट एट लीस्ट। देखिए ये जो शब्द है ना एट लीस्ट, ये गेम चेंजर है, ठीक है। एट लीस्ट वन मेंबर इज वुमेन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने डिफरेंट वेज से कैन इट बी डन, कितने तरीकों से ये बनाया जा सकता है। बेसिकली ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, फाइव वुमेन और फोर मैन है, ए कमेटी ऑफ थ्री मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड आउट सच ए वे दैट एट लीस्ट वन मेंबर इज वुमेन। जो एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर वुमेन हो, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, तीन मेंबर की कमेटी बनानी है। देखो आपको वो कह रहे कम से कम एक वुमेन, ये मैन है मान लीजिए वुमेन, वो कह रहे कम से कम एक वुमेन तो हो, मान लीजिए एक वुमेन होगा तो दो मैन होंगे। कम से कम एक वुमेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो वुमेन भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा अगर दो वुमेन हो गई तो एक मैन हो गया, और ज्यादा से ज्यादा तीन वुमेन हो सकती है, और तीन वुमेन का मतलब जीरो मैन, ठीक है। सिंपल सी बात, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तीन तीन तरीके से बन सकता है। अब देखो क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ फाइव वुमेन एंड फोर मैन। देखो वुमेन्स कितनी है, फाइव, तो ये वाला कंसेप्ट उठा, ये वाला अगर मैं उठाता हूं तो इसका मतलब है मुझे वुमेन एक सिलेक्ट करने हैं तो फाइव सी वन यही करूंगा, और मैन कितने सिलेक्ट करने हैं, टू मैन सिलेक्ट करने हैं तो मैं यहां करूंगा इंटू फोर सी टू। या तो ये हो सकता है प्लस, या देखिए जहां भी या आएगा वहां आपको प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। या हो सकता है वन और टू, वन और टू का मतलब या तो ये हो सकता है फाइव सी टू इंटू फोर सी वन, क्लियर है, या ये हो सकता है फाइव सी थ्री इंटू फोर सी जीरो, क्लियर है। और जब आप इसको एनसी और एनसीआर का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, नहीं पता तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, क्लियर है। चलिए मैं आज अब आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80, लेकिन आपको सॉल्व खुद से करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ अब, चलिए तो देखिएगा कुछ मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला, अगर एन पी परम्यूटेशन है, यहां पे जीरो है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, वन, यानी कि फाइव पी जीरो अगर की वैल्यू आएगी तो सीधा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्लियर है।
कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ये ट्रिक्स हैं कुछ, इसे याद रखिएगा इन ट्रिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। NPN तो वो भी वन होता है, ठीक है, अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, सॉरी NPN n फैक्टोरियल होगा ना, सॉरी ये तो n फैक्टोरियल होगा, 8PN तो n फैक्टोरियल होता है, माफ कीजिएगा 8 फैक्टोरियल होगा अगर 8P8 होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो दो याद हो चुके हैं, क्या NP0 क्या होगा, 1 होगा, NPN क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, सीधा ये चीज लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, NC0 ये आपका 1 हो जाएगा, और NC1 ये आपका n हो जाएगा, यानी कि NCN जो आपका हो जाएगा वो n हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं NC2 को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करें, मान लीजिए 5C2 को सॉल्व करना है आपको, यहाँ इसको दो बार लिखें ऊपर, मतलब दो तक पीछे जाएं और यहाँ पे भी दो और एक तक पीछे जाएं, ये ट्रिक से सॉल्व कर ले। सिमिलरली NC3 को सॉल्व करना है, यहाँ 5C3 को सॉल्व करना है आपको, मान लीजिए तो आप यहाँ तीन तक ऐसे पीछे जाएं फटाफट से, और यहाँ 3, 2, 1 लिख दें और इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जल्दी से, कोई डाउट? चलिए इसे उतार लीजिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, एक कमेटी आपको बनानी है, मान लीजिए 6 टीचर की टोटल, ठीक है, आपको 6 टीचर की कमेटी बनानी है, और आपके पास जो है मान लीजिए 4 साइंस के टीचर हैं और 5 आर्ट्स के टीचर हैं और 3 कॉमर्स के टीचर हैं, कॉमर्स के, ठीक है। तो आपको बनानी है और इसकी कमेटी, तो आप कैसे करेंगे, अगर आप ये सिंपल, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता तो देखेंगे, तो आप करते 5 और 3 8 8 4 12, आप करते 12C6, ये आपका आंसर हो जाता अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं इसकी कंडीशन क्या है, सुनिए, मैं चाहता हूं कि नो टीचर फ्रॉम मान लीजिए फ्रॉम, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कॉमर्स साइड से कोई टीचर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, अब कॉमर्स का कोई टीचर नहीं चाहिए, आप कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए अब आप कॉमर्स वाले को भूल जाओ, बस टोटल देखो कितने हैं, 9, तो 9 में से आपको 6 चुनने हैं, सीधा 9C6 इसे सॉल्व करते, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, यही होगा, तो 9 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? आगे बढ़े, चलिए मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, मान लीजिए आपको एक यू हैव टू मेक ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, ठीक है, आपको, और आपके पास हैं क्या 4 स्टूडेंट्स हैं और मान लीजिए आपके पास 3 टीचर्स हैं और 2 स्पोर्ट्स कोचेस हैं या स्पोर्ट टीचर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, कोच हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो 4 3 7 8 9 9C5 आंसर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए एक कंडीशन दे रखी हो आपको, मान लीजिए मैं आपसे कहूं किस तरीके से बनाई जाए, जैसे कि
मैं आपसे कहता हूँ कंसिस्ट ऑफ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा इस जो फाइव मेंबर मेड, दो तो आपके हों स्टूडेंट, कोई भी दो हो सकते हैं, दो हो टीचर और एक हो स्पोर्ट, तो ऐसे ऐसे कितनी कमेटी बनाई जा सकती है। देखो तो स्टूडेंट कितने, चार हैं, चार में से दो चुन लिए यानी कि 4 से 2। अब गुना, यहाँ पर या शब्द नहीं आया तो गुना होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। और टीचर कितने हैं, 3, तो 3C2 और ये कितना होगा, 2C1, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, तो देखो ये वन वाले में तो एनी आंसर आ जाएगा, और इसके अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। 4 × 3 / 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये इसका तो वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 × 3 × 2, तो आएगा 36। इस तरह से कमेटी बन सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेते हैं नंबर्स वाले। देखिए जो पार्ट 4 आएगा उसके अंदर मैं सारी की पूरी पीपीटी आपको तैयार करके दूंगा, जिसमें आप सारा का सारा कर पाएंगे, ठीक है। उसमें मैं लिखूंगा नहीं, पूरी की पूरी पीपीटी तैयार होगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, जो जो हमने सीखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे हाउ मैनी, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 digit कैन बी फॉर्म्ड ऑफ फॉर्म अलोंग विद 0, 1, 2, 3 और ये 9 तक, ठीक है। तो कैसे, अब इसमें एक होगा RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड और एक होगा रिपीटेशन अलाउड। अब देखो अगर रिपीटेशन मान लीजिए नॉट अलाउड हुआ तो 3 अक्षर बनाने हैं, तो देख अब यहां देखिएगा यहां के लिए कितने ऑप्शन उपलब्ध है। आप 1 लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, sorry, 10, 9 तक लिख सकते हो आप, ठीक है। 0 नहीं आएगा यानी कि यहाँ के लिए 9 ऑप्शन उपलब्ध है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ के लिए 9 ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो यहाँ के लिए भी 9 ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस में कर रहा हूं, कोई भी वर्ड यहाँ पर आया गया होगा, मान लीजिए फर्ज करो मैंने 2 ही यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ पे अब दोबारा नहीं आ सकता, इस वाली जगह पर 2 दोबारा नहीं आ सकता, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 हमारे पास ऑप्शन है यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है बच गए, कोई भी एक मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो कितने बच गए, तो यहाँ के लिए 8 बच गए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 648, इज दैट क्लियर। चलिए अगर मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड है, देन अब देखिए यहाँ के लिए रिपीटेशन अलाउड हो तब भी यहां पर तो 0 नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ के लिए तो 9 ही ऑप्शन। अब रिपीटेशन अलाउड का मतलब जो भी अक्षर यहाँ पे लिखा आप यहाँ पे दोबारा से उसको लिख सकते हो, तो यहाँ के लिए तो 10 ऑप्शन बच गए, और रिपीटेशन अलाउड है जो यहाँ लिखा वो भी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ के लिए भी 10, तो यू कैन से 900 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको, क्लियर हो रहा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म बिटवीन, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 400 से फर्ज कीजिए मैंने आपसे कह दिया 400 से 800 अलोंग विद, मान लीजिए मैंने कहा इसको आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
ठीक है, इफ आर एन ए रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, कितने अक्षर बना लें, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब ये बताओ 400 से लेकर 800 तक के बीच में तीन ही अक्षर के बनेंगे। अब यहाँ के लिए क्या ऑप्शन उपलब्ध है, क्या यहाँ पे जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, वन आ सकता है, नहीं आ सकता, 400 से 800 के बीच में कोई भी वैल्यू वन से शुरू नहीं होती, तो टू आ सकता है, टू भी नहीं आ सकता, थ्री आ सकता है, थ्री नहीं आ सकता, फोर आ सकता है, हाँ फोर आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स आ सकता है, आ सकता है, सेवन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आठ नहीं आएगा, यानी कि यहाँ के लिए चार ही ऑप्शन उपलब्ध है, आठ बीच में बताना है ना, 400 से 800 के बीच में, तो चार ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको। अब यहाँ के लिए यहाँ तो कोई भी आ सकता है, यहाँ के लिए नो ऑप्शन उपलब्ध है टोटल, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि कोई भी दो अक्षर यहाँ पे आगे होंगे, एक यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ के लिए आठ ऑप्शन उपलब्ध है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको मुझे बताना है, ठीक है, कोई डाउट, गुना तो करनी आती है आपको मैं मान के चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म अलोंग विद फोर डिजिट करते हैं हम इसको, हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म अलोंग विद 0 to 9 इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड आर एन ए, ठीक है। तो देखो आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, देखो आप कैसे करें। अब देखें सबसे पहले ये देखो आप जीरो वाले ले लें, जीरो को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि जीरो पहले नहीं आ सकता, लास्ट में आ सकता है और इवन नंबर बन सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको कितने अक्षर बनाने हैं, 1 2 3 4, आप पहले क्या करें सारे वो वाले इवन नंबर्स बता दें जिसमें जीरो आती है, तो यानी कि यहाँ के लिए एक अक्षर जीरो, इवन नंबर एंडिंग विद एंड विद जीरो, जीरो वाले पहले ये करें, ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ के लिए एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, यानी कि एक ही तरीका, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहां आप कितने कर सकते हो, यहां आप कर सकते हो 9, ठीक है, यहां पे 9 आ सकते हैं, यहां के लिए 8 और यहां के लिए 7 और यहां के लिए 1 तो है ये, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 9 8 72 और ये आपका आ गया 504, ठीक है। अब आप इवन नंबर वो वाले करें, कौन से वाले, जिसमें या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आएगा, 1 2 3 4, तो यहां के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब चार में से कोई भी ऑप्शन यहां पे रख दिया होगा, जीरो यहां नहीं आ सकता, जीरो यहां पे नहीं आ सकता फर्स्ट पे, तो यानी कि यहां के लिए कुल 8 ही ऑप्शन बचे, लेकिन यहां पे जीरो आ सकता है, यहां के लिए भी 8 हो गए, तो 7 और 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 9, और जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 9 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैं बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो फोर डिजिट के इवन नंबर्स हैं, पहले वो वाले बनाए जिसमें जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो आने का क्या मतलब हो गया, यहाँ के लिए एक ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, यहाँ के लिए जो ऑप्शन उपलब्ध है वो एक ही ऑप्शन उपलब्ध है, यहाँ के लिए कितने ऑप्शन उपलब्ध है, 9 ऑप्शन उपलब्ध है, यहाँ के लिए 8 ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे जीरो है, मान लीजिए जीरो आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, अब कोई भी एक वैल्यू यहाँ आई होगी वो यहाँ पे नहीं आ सकती, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 8 लिखा आपने, यहाँ पे 7 लिखा, तो यहाँ से ये वैल्यू आई, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते,
चलिए देखिए, जब तक समझ ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मत जाएं, उसी वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझ आएगा, डेफिनेटली आएगा जब आप बहुत ही आराम से देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं देता हूँ, मान लीजिए हाउ मैनी फाइव डिजिट, मान लीजिए मैं आपसे दे रहा हाउ मैनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फोन मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अलोंग विद इफ आर एन ने, ठीक है, क्वेश्चन समझे सर बहुत ध्यान से। वैसे फाइव डिजिट का टेलीफोन नंबर होता नहीं है लेकिन मांग के चले, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए टेलीफोन नंबर जीरो से शुरू हो सकता है तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो यानी कि यहाँ के लिए दस ऑप्शन, यहाँ के लिए नौ, यहाँ के लिए आठ, और यहाँ के लिए सात, और यहाँ के लिए छः, क्लियर है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे दिस, तो टोटल इतने नंबर आप बना सकते हो, क्लियर है। चलिए तो होप आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको समझ आई होंगी चीजें। अभी हम एक फोर्थ पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, आप इतना भी कर लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत होगा, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू।